मैं दिलीप कुमार अपने YouTube चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहा था। इससे पहले वीडियो में मैंने मान सारणी के बारे में और मान के थ्रू आप मान का जैसे साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री इस तरीके का वैल्यू आपको निकालने के बारे में बताए थे। आज हम त्रिकोणमितीय फॉर्मूला देंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देंगे, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला देंगे और साथ साथ इसका एक्सप्लेन करेंगे कि वो फॉर्मूला किस तरीके से आता है। अब पहला इसका फॉर्मूला आपको बेहतर जो सिंपल फॉर्मूला है वो पहला एक फॉर्मूला आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू किस तरीके से आप निकालिएगा, तो साइन का वैल्यू आप जानते हो रिवर्स होता है कोई भी चीज का, ये साइन थीटा का रिवर्स होता है मतलब 1/cosec थीटा, यह भी एक फॉर्मूला है। अब इसी से आप अगर कोसेक को आप समीकरण आपको पता होगा ये अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। फिर इस तरीका से आप दूसरा एक फॉर्मूला आता है कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला आपको टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ये एक दूसरे का उल्टा होता है। अब देख लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में और ये फॉर्मूला से बहुत जरूरी फॉर्मूला है, ये आपको बहुत जरूरी है। आपको एक फॉर्मूला ये भी साइन स्क्वायर थीटा जोर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको आप प्रूफ किस तरीके से कीजिएगा कि आप ये प्रूफ किस तरीके से कीजिएगा, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू होता है P/h, तो P/h का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आप जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू P/h एंड कॉस थीटा का वैल्यू B/h, इस तरीके से आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपको B/h का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये P² / h² प्लस B² / h² h² अब P² जोर B². अब आप जानते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला इक्वल टू जैसे कि पाइथागोरस फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है P² जोर B² इक्वल टू h² आप ये जानते हैं। तो इस तरीका से P² जोर B² का वैल्यू हो जाएगा h² / h², ये कट जाएगा मतलब एक प्रूव हो गया। इस तरीका से आप ये निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर जोर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। आपको हम इससे पहले बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप इससे भी एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप समीकरण के तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो आप सब जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 होता है, तो आप x इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 - y, चाहे y इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 - x, इस तरीका से आप लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा, एक ये हो गया। उसके बाद एक ये फॉर्मूला हुआ और इससे आप साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ ये भी कर सकते हैं अगर आप 2 यहाँ रख करके यहाँ √3 इस तरीका से भी कर सकते हैं। स्क्वायरिंग आप इस साइड भी ला सकते हैं, तो जैसे कि साइन स्क्वायर है तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं 1 - cos² थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। उसके बाद आप दूसरा में देख लीजिए साइन स्क्वायर जो थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप 1 - sin² थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी है जिस तरीका से ये था। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा। ये फॉर्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत जरूरी होता है, ये फॉर्मूला से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आपको
तीसरा में आप देख लीजिए, जैसे कि आपको टेन थीटा की वैल्यू पूछ दिया जाए तो टेन थीटा की वैल्यू वन बटा कॉट भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, आपने यहाँ साइन थीटा की वैल्यू आप क्या ली है, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा रूट अंडर, यहाँ साइन थीटा की, ये साइन की वैल्यू है तो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीका से टेन का ये वैल्यू होता है, ये आप तीनों फॉर्मूला इसका याद कर सकते हैं। उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू वन बटा टेन होता है, आपको ये पता होगा, तो आप यहाँ से कॉट का वैल्यू आप ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, आप यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये फॉर्मूला सब बहुत जरूरी होता है, इस फॉर्मूला से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके साथ साथ आपको कुछ फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको दिखने में मिल जाएंगे, जैसे कि अब थीटा, जैसे कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है एंगल के लिए, तो आप कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा होता है, उस तरीके से आप कॉस थीटा की वैल्यू लीजिएगा तो फिर साइन थीटा 90 माइनस थीटा, ये आपको फॉर्मूला याद रखने होंगे, ये मैट्रिक में ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं यही सब। उसके बाद आप कॉस का निकाल लिए, उसके बाद आप सेक थीटा का निकालिएगा तो कोसेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद आप कोसेक का भी निकालिएगा तो सेक थीटा 90 माइनस थीटा। इस तरीके से आप टेन का भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। इस तरीका से ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और ये फॉर्मूला से भी बहुत अच्छे से आते हैं, बनाना पड़ेंगे आपको, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने होंगे। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।